नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। सारे हिंदू समाज की ओर से रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में आज जबलपुर शहर में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। रैली में भारी संख्या में राम भक्तों ने भाग लिया, तो वहीं एक तरफ दर्जनों डीजे के साथ जहां श्रद्धालु नाचते गाते नजर आए, तो एक तरफ बाल कलाकारों ने भी लोगों का मन मोह लिया। प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा में कई बड़ी बड़ी झांकियां निकाली गई, जिसे देखकर सभी लोग इतना उत्साहित और प्रसन्न हो गए कि खुशी से झूमने लगे। वर्षों के संघर्ष के बाद आज भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में आज राजधानी भोपाल के माता मंदिर बालाजी लेक सिटी लंबाखेड़ा में राम भगवान परिवार सहित एवं शिवजी भी विराजमान हुए, जिसमें विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजक चंद्रमोहन शर्मा ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि इस पूरे काम में मुझे सेवा करने का मौका मिला। आज बड़ी ही खुशी महसूस हो रही है कि अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो रहे हैं और बालाजी लेक सिटी में भी राम भगवान परिवार सहित विराजमान हो रहे हैं। रघुवान की जय। विगत कई वर्षों से, लगभग 498 वर्षों से हमारे रामलला टेंट में विराजमान थे। कुछ सामंतवादियों की मानसिकता के कारण भगवान आज सैकड़ों वर्षों के इंतजार के बाद में आज अपने निज निवास में पदारंभ करेंगे। इस ऐतिहासिक क्षण में हम सब ने यहाँ पर भगवान राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का निश्चय किया है और सभी सनातनियों के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। आज कार्यक्रम हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि मैं प्रतिष्ठा में बैठी हूँ, स्थापना में। आज अयोध्या में भी रामलला की स्थापना हो रही है, मतलब प्राण प्रतिष्ठा समारोह, तो क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। आज रामलला अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, उस उपलक्ष्य में हमने भी हमारी कॉलोनी बालाजी लेक सिटी लामाखेड़ा पर भी राम दरबार, हनुमान जी शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह रखा रहा। जिस तरह पूरा देश दिवाली की तरह पूरा, मतलब देश उत्सव मना रहा है श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के लिए, उसी तरह हम लोग भी कॉलोनी वासी सब लोग मिलकर इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह कर रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।